everyone, welcome back to my YouTube channel, Be Positive. तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे. वैसे तो लॉकडाउन ओपन हो गया है एंड मोस्टली चीज़ें ओपन हो गई हैं, रेस्टोरेंट तक ओपन हो गया है, सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं ओपन हुए हैं एंड सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं एंड लोग एज यूजली जैसे हमेशा आते हैं जाते हैं वैसे ही आ भी जा रहे हैं. तो और मैं ना काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूं. Subscribe to my channel and also press this bell icon. व्लॉग थोड़ा सा वैसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ईजी अगर वीडियो आपको बनानी है तो व्लॉग होती है, बट मुझे ना व्लॉग बनाना पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है. मतलब इधर कुछ दिनों से नहीं अच्छा लग रहा था और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो आज छोटा सा व्लॉग बनाते हैं एंड आपके साथ शेयर करते हैं. तो पीछे आप देख सकते हैं इतना अच्छा था, सुहाना था, ब्यूटीफुल था मौसम हुआ है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो 3 बजे मैं इस व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ. एंड कुछ दिन पहले ना मैंने एक होम रेमेडी बनाई हुई थी अपने स्किन के लिए, क्या था वो, पोटैटो आइस क्यूब बनाए थे मैंने और कुछ दिन तक मैंने उसे यूज़ भी किया था. तो वही मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूँ बट उसको स्पेशली अलग से मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी. तो आज मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं, मतलब कि व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग में आपके साथ वो मैं शेयर कर दूँगी. तो बन रहेगा वीडियो में से देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी रेमेडी है. एंड अभी मैं ना दही खा रही हूँ तो अभी तो फिलहाल कोई जा रहा है और दोस्त से आवाज़ हो रही थी, मैं बोलना मैंने स्टॉप कर दिया. तो वैसे तो ना मुझे चले जाओ भाई साहब, मुझे ना कोलकाता की मिस्टी रोई बहुत ज़्यादा पसंद है. Awesome. इतनी ज़्यादा पसंद है, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये लोग भी थम्स अप कर रहे हैं अपने हॉर्न के थ्रू. तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मिस्टी रोई मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है इसकी. तो मिस्टी रोई तो मुझे नहीं मिल पाई है. तो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है धीरे 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 और आज ना बारिश रुकी ही नहीं है, सवेरे से कंटिन्यूसली बारिश हो जा रही है. और इस टाइम भी देखिए अभी थोड़ी देर रुकी थी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना, उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी बट अभी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे झमझम झमझम. तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे ना कोलकाता की मिस्टी रोई बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये भी कुछ कम नहीं है. यान की मीठा दही है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे दही ना मुझे पसंद है, दही के आइटम जैसे कि लस्सी मुझे पसंद है और ये दही मुझे पसंद है, मीठी दही पसंद है, वाइट वाली मतलब ये वाली दही अच्छी लगी है एंड मिस्टी दही ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट कोलकाता की, और ये वाली भी अच्छी है, इसे से काम चलाना पड़ रहा है फिलहाल अभी. हाँ बेटा तुम क्या खा रही हो? दही खा रहे हैं आप, खाओगे? खा लो बेटा, ये भी खा लो. अच्छा लगता है? अच्छा लगता है बुआ की तरह? यहाँ मेरी नीस है छोटी वाली और ये ना मतलब कि सुबह से लेकर रात तक मेरे पीछे 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 मैं नहाती हूँ. तो नहाने से लेकर मतलब कि जैसे कि जब मैं ना स्किन केयर वगैरह करती हूँ, टोनर लगाती हूँ, क्रीम लगाती हूँ या फिर कुछ भी लगाती हूँ तो इसको भी लगाना होता है एंड उस टाइम आ जाती है. तो ये पूरा रात तक साथ साथ में ही रहती है हमारे. तो नेक्स्ट डे में खा के फिर मिलते हैं आपसे. तो फ्रेंड्स बारिश हो रही है, मैं उधर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे कैमरे पे पानी गिर जाएगा, मतलब कि मेरे मोबाइल पे पानी ना आए, इसके लिए मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ. और आज ना मैंने एक और वीडियो शूट की थी अपनी अमेज़न शॉपिंग हॉल, तो वो आई थिंक आपको इस वीडियो के पहले ही देखने के लिए मिल जाएगी. तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. लिंक प्रोवाइड करने से क्या होता है ना कि लोग मतलब भी डायरेक्ट जल्दी से पहुंच जाते हैं, वैसे उनको सर्चिंग करनी पड़ती है अगर कुछ देखना होता है तो, अदरवाइज लोग सर्च करने के नाते देखना ही मतलब देखते ही नहीं है वीडियो को ही. तो आप वो मेरा क्या यार भूल जाते हूँ बोलने से पहले ही, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेरी जो होम रेमेडी है ना पोटैटो आइस क्यूब, वो आप देख लो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. सो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि पोटैटो हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, इन सारे चीज़ों को हटाने के लिए, ब्लेमिशेस को हटाने के लिए आलू का जो रस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 आलू लिया है मीडियम साइज़ का, नींबू लिया है और शहद लिया है एंड ये विटामिन ई लिया है. तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब नहीं डालनी है, विटामिन ई एंड ये जो शहद है और नींबू, ये तीनों ऑप्शन है. जैसे कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ नींबू का ही रस यूज़ करना एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप विटामिन ई एंड ये शहद, ये दोनों चीज़ में से कोई एक चीज़
इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सिर्फ नींबू का रस एंड आलू को मैंने ग्राइंडर किया था, मतलब कि पेस्ट बनाया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो मैंने, बहुत लोग ना इसको सिर्फ इसका आलू का रस निकाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि आलू का जो रस अगर आप सिर्फ यूज़ करो ना तो वो चेहरे पर टिकता नहीं है, तो काफ़ी देर तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो फेस पर। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडर करके इस तरह से उसका पेस्ट बनाया था, कुछ लिक्विड की तरह, एंड उसे मैंने फ्रीज़ कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो दो आलू में मेरे इतने पूरे कंप्लीट हो गए थे, ग्यारह क्यूब बने थे। एंड इसे यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसे आप मतलब कि मॉर्निंग में एंड नाइट में जब आप सोने जाते हो ना, उसके पहले अगर आप यूज़ करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसे लगा के छोड़ना नहीं है, इसे कुछ देर तक अपने फेस पर मतलब जैसे स्क्रब करते हैं ना, या फिर कोई भी चीज़ आप रगड़ते हो उस तरह से आपको ले लेना है, रगड़ना है। तो इसमें जो आलू के पार्ट्स हैं ना, वो स्क्रब का काम भी करेंगे आपका यहाँ पे, एंड आपके ब्लैमिशेस को भी हटाने में पूरी तरह से लाभकारी होंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लगा, जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाता है ना लगाते लगाते, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मतलब 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, एंड फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। एंड देख सकते हो फ्रेंड्स, ये ना जब मेरा लास्ट डे जिस दिन मैंने यूज़ किया था वो क्यूब, उस दिन का फेस है मेरा, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे ना थोड़ा सा होम रेमडीज सूट नहीं करते हैं, एंड ये है बारिश का हाल जो आप देख सकते हो, किस तरह से पानी हमारी गली में लगा हुआ है, एंड कंटिन्यूसली बारिश होता है ना तो कुछ इस तरह का माहौल हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये मेरा गेट का है, और अभी तो फ़िलहाल कम हो गया है पानी, अभी कुछ देर पहले ना बहुत ज़्यादा था। तो चलिए मैं आपको और भी सीन्स दिखाती हूँ अपने घर के साइड के। तो मैं थोड़ा सा बारिश में अपने मोबाइल को लेके आ गई हूँ, एंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे गाइस, ये देखो कितना पानी पानी ही पानी पानी ही चारों तरफ है, सिर्फ पानी पानी ही है। तो चलो चलो जल्दी से चलो, तो मेरे मोबाइल पे ज़्यादा पानी आ गया ना, तो अब पानी दिखाती रह जाऊँगी और मेरा मोबाइल हो जाएगा। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपने देख ली मेरी रेमेडी कैसी लगी आपको फ्रेंड्स। और काफ़ी ज़्यादा उससे ना मुझे, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे ना होम रेमेडीज़ जल्दी सूट नहीं करती है, मुझे पिंपल्स आ जाते हैं। बाकी उसके जो लाइट एंड ब्राइटन वाले वर्क होते हैं वो तो वो कर जाते हैं काम, लेकिन ना मुझे पिंपल आ जाते हैं। और कोई भी होम रेमेडी मैं यूज़ करती हूँ ना, तो सबके साथ मेरे साथ यही होता है, मेरे बालों में भी मुझे होम रेमेडी सूट नहीं करता है, स्किन पे भी मुझे होम रेमेडी सूट नहीं करता है, और क्या बोलूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर करके ना मार्केट के प्रोडक्ट्स ही प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। और इस समय मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैंने वो जो DIY सोप बनाया था आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर जाके देखिएगा फ्रेंड्स, वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी। स्किन तो काफ़ी अच्छी लाइटन ब्राइटन हो गई थी, बट पिंपल्स मुझे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अभी तो फिलहाल नॉर्मल हो गए हैं, पिंपल्स मेरे कम हो गए हैं। एंड सेम सोप मैं अपनी दी की बेटी को भी दिया था मैंने, तो वो भी यूज़ कर रही थी, उसको पिंपल्स नहीं हुए थे, उसके लिए काफ़ी अच्छा सा साबित हुआ था वो वाला सोप, लेकिन मुझे पिंपल आ गए थे। तो मुझे ना सूट नहीं करता है होम रेमेडी ज़्यादातर करके, बट फिर भी मैं इक्का दुक्का ट्राई करती रहती हूँ। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सुहाना है, और बस, और आजकल मुझे ये नोज पिन्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे हैं पहनने। तो मैं ना मोस्टली वीडियो में पहनी रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और फिर अगर मैंने इसे बाय किया है, परचेज़ किया है, तो फिर क्या करूँगी, रख के पहनना तो चाहिए ही ना। और एंड गाइस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो यार मेरा, मतलब कि मेरे ना जो पहले जैसे मेरे व्यूज़ आते थे ना, उसे भी मतलब गंदे वाले व्यूज़ गंदे वाले नहीं, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जिन लोगों ने देखना छोड़ दिया, भाई क्यों देखना छोड़ दिया यार, अगर आप लोग बताओ मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो बताइए मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, और किस तरह से मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ वीडियोज़ वगैरह, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए। लेकिन एकदम से मेरे चैनल को मत छोड़ो यार, बहुत मेहनत से मोनेटाइज किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए और बनाए रखिए अपना सपोर्ट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और व्लॉग का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि व्लॉग में ना जब तक मैं सोचती हूँ कि कुछ काम की चीज़ ना दिखा, जैसे कोई हम रेमेडी दिखा दे, कोई रेसिपी दिखा दी, या फिर कोई जानकारी वाली चीज़ बता दी, जब तक वो वाली वो सारी चीज़ें ना बताओ ना, तब तक मुझे मतलब कि व्लॉग व्लॉग ही नहीं लगता है। या फिर मेरा यहाँ पे मायके में ना कोई मेरा ऐसा रूटीन भी नहीं है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का मैं आपको कुछ दिखाऊँ, सिर्फ मेरी एक ही रूटीन चलती है यहाँ पर, और वो है स्किन केयर। तो स्किन केयर भी मैं रोज़ रोज़ सेम चीज़ें तो आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए ना मैं ब्लॉग थोड़ा कम बनाती हूँ। और मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ पे मैं ब्लॉग ज़रूर बना देती हूँ। हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले गोरखनाथ गई थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सा माहौल हुआ है, मतलब कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी शांति शांति सा था, और वही शांति बहुत अच्छी लग रही थी।
तो वो वाली वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी गोरखनाथ की। एंड अब लॉकडाउन तो ओपन हो ही गया है, तो फिर देखते हैं, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो फिर आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। और ये अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, पिछले ना मतलब एक हफ्ते से लगातार तो नहीं हो रही है, बट आए दिन बारिश हो ही जा रही है, तो देखते हैं कब तक ऐसे बारिश का मौसम रहता है। और जब मौसम साफ होता है तो फिर मैं आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ले चलूँगी घुमाने के लिए, मतलब कि व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड्स लोग से मिले हुए भी, तो कुछ फ्रेंड वगैरह से मिलती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी बेस्टी से मिलवाऊँगी और क्या बेस्टी से मिलवाऊँगी। सो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बस।